तो हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आधार कार्ड अप्लाई करने के लिए हमें जो फॉर्म दिया जाता है उस फॉर्म को हम लोग कैसे फिलअप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, रेजिडेंट और एनआरआई का। तो अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप यहाँ पर रेजिडेंट पर टिक कर देना, और अगर आप ज़्यादातर टाइम इंडिया से बाहर रहते हो तो आपको यहाँ पर एनआरआई पर टिक कर देना है। तो हम में से ज़्यादातर लोग तो इंडिया में ही रहते हैं, तो हम लोगों को भी रेजिडेंट पर टिक कर देना है। और उसके बाद ये वन और टू जो पॉइंट है यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, इसको खाली छोड़ देना है। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास पहले से आधार कार्ड है, और उन लोगों को कुछ आधार कार्ड में करेक्शन करवाना है, तब हम लोगों को वन और टू पॉइंट में कुछ लिखने की ज़रूरत होता है। लेकिन हम लोग तो नया आधार कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें वन और टू पॉइंट को खाली छोड़ देना है। हमें स्टार्ट करना है 2.1 से। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, आप कौन कौन सा डेटा उन लोगों को दे रहे हो। अगर आप अपना मोबाइल नंबर दे रहे हो तो आप यहाँ पे टिक कर देना। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी दे रहे हो तो यहाँ पे भी टिक कर देना। एड्रेस भी देना है तो यहाँ पे भी टिक कर देना। नाम भी हम लोग दे रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग टिक कर देंगे। हमारा जेंडर भी हम लोग बता रहे हैं तो हम लोग को जेंडर भी टिक करना है। और यहाँ पे बायोमेट्रिक यानी कि आपका जो फिंगरप्रिंट या फिर आपका आँखों का जो लेंस का स्कैनिंग किया जाएगा वो भी हम लोग दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी टिक कर देंगे। तो यहाँ पे सारा का सारा में हम लोग टिक कर देंगे। और उसके बाद आता है पॉइंट थ्री, तो यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे हमारा फुल नेम लिखना है हमें, और नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखिए ताकि टाइपिंग में कोई मिस्टेक ना हो। और उसके बाद आता है जेंडर, तो आप यहाँ से आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद आता है एज, तो यहाँ पे अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं मालूम है तो आप अप्रोक्सीमेटली लगभग करके अपना उम्र यहाँ पे लिख देना। तो क्योंकि मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है, तो यहाँ पे एज मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक लिखना पड़ता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, डिक्लेयर्ड और वेरीफाइड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पूछ रहा है, आपने जो ये डेट ऑफ बर्थ दिया है वो आपके पास अगर कोई प्रूफ है उस डेट ऑफ बर्थ को दिखाने के लिए तो आप यहाँ पे वेरीफाई पे टिक कर देना, और अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अपना डेट ऑफ बर्थ दिखाने के लिए, तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर पे टिक कर देना है। तो मेरे पास तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट है अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे वेरीफाइड पे टिक कर दिया है। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप यहाँ पे डिक्लेयर पे टिक कर देना। और उसके बाद आता है देखिए एड्रेस, तो यहाँ पे हमें जनरली हमारा एड्रेस पूछेगा, तो पहले तो हाउस नंबर है तो हाउस नंबर आप लिख देना है। उसके बाद लैंडमार्क, तो लैंडमार्क क्या होता है, अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके घर को पहचाना जा सकता है आसानी से, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपके घर के पास का कोई बैंक, कोई मार्केट या फिर कोई ऐसा फेमस स्ट्रक्चर, तो मेरे घर के पास तो एक बैंक है तो मैंने उस बैंक का नाम यहाँ पे लिख दिया है लैंडमार्क पे। तो उसके बाद स्ट्रीट नेम, आपके घर के पास से जो सड़क गुजरती है उसका नाम भी यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आपका एरिया का नाम यहाँ पे लिख देना आप लोग, फिर आपका विलेज टाउन का नाम जो भी है यहाँ पे लिख देना, और यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का नाम भी लिखना है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन आप लोग यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है अपना, सब डिस्ट्रिक्ट बताना है, स्टेट भी बताना है, और अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी दे देना। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते हो, इसको खाली भी छोड़ सकते हो, इतना कोई मैंडेटरी चीज़ ये नहीं है। लेकिन ये जो मोबाइल नंबर है इसको आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो मोबाइल नंबर दोगे यानी कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर लिखोगे उस पे एक मैसेज आएगा, और उसी से आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, ये अच्छे से आप लोग दे देना। उसके बाद आता है पिन कोड, आप अपना पिन कोड भी यहाँ पे दे देना। उसके बाद देखिए ये जो पॉइंट सेवन है, ये पोर्शन उन लोगों के लिए है जिनका एज 5 साल से कम है। अगर आपका एज 5 साल से ज़्यादा है तो आपको इस पॉइंट सेवन पे कुछ नहीं लिखना है, इसको खाली छोड़ देना है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे लोगों के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो जिसका एज 5 साल से कम है, तब आपको ये पोर्शन फिलअप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा अगर आप किसी ऐसे के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो जिसका उम्र 5 साल से कम है। तो उस केस में उस चाइल्ड का, उस बच्चे का फादर, मादर, गार्जियन, हस्बैंड और हस्बैंड, इन चार पास में से कोई भी एक का नाम देना पड़ेगा। अगर आप उस चाइल्ड का फादर का नाम देते हो तो आप यहाँ पे फादर पे टिक कर देना और उसका फादर का नाम यहाँ पे लिख देना। उसी तरह से अगर मादर का नाम देते हो तो मादर पे टिक कर देना और यहाँ पे उसका मादर का नाम लिख देना। तो हम लोग तो सभी 5 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो हम लोग 7 पे कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली आ जाएंगे इस पोर्शन पे। तो ये पोर्शन क्या है, देखिए वेरिफिकेशन टाइप।
तो यहाँ पे आपको बेसिकली बताना है कि आप अपना वेरिफिकेशन किस तरह से करवा रहे हो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है और अपना डॉक्यूमेंट दिखा के अपना वेरिफिकेशन करवा रहे हो तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस पे टिक कर देना। और अगर इंट्रोड्यूसर बेस्ड यानी कि आप अपना विलेज का कोई लोक ला के अपना वेरिफिकेशन करवा रहे हो तो आपको इंट्रोड्यूसर बेस पे टिक कर देना है। और हेड ऑफ द फैमिली यानी कि अगर आप अपना फैमिली मेम्बर कोई साथ लेके जाके अपना वेरिफिकेशन करवा रहे हो तो आपको हेड ऑफ द फैमिली पे टिक कर देना है। लेकिन ज़्यादातर लोग हम लोग तो अपना अपना आईडी वगैरह यानी कि अपना डॉक्यूमेंट दिखा के हम लोग अपना वेरिफिकेशन करवाते हैं तो हम लोग भी डॉक्यूमेंट बेस पे टिक कर देंगे। और उसके बाद हमको बताना पड़ेगा हम कि हम क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो देखिए आइडेंटिटी प्रूफ, तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हो जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, फिर आपका आईडी कार्ड और उसके बाद आपका स्कूल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड। तो इन सारे डॉक्यूमेंट में से मैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अपना पैन कार्ड दे रहा हूँ। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट दोगे आपको वहाँ पे इसका नाम लिख देना है और उसके डेट ऑफ बर्थ। तो आप ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, जैसे कि आपका स्कूल सर्टिफिकेट, आपका वोटर आईडी, आपका लाइसेंस। तो मैं अपना यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा हूँ। फिर एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, रेशन कार्ड का जो नंबर है आप उसको भी दे सकते हो, रेशन कार्ड का जो आपका फ्रंट पेज होता है। लेकिन मैं यहाँ पे वोटर आईडी दे रहा हूँ अपना एड्रेस प्रूफ के लिए, और रेजिडेंट प्रूफ के लिए भी मैं वोटर आईडी दे रहा हूँ। तो आप जो जो डॉक्यूमेंट दोगे आप यहाँ पे अपना उसका नाम लिख देना। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम फिर से लिखना है और इस जगह पे आके आपको एक अपना एक सिग्नेचर कर देना है और इसी के साथ आपका जो फॉर्म फिलअप है वो हो जाएगा ख़त्म। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मदद पहुंचा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।